गुड इवनिंग फ्रेंड्स आज हम हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं हाइपर एक मेडिकल टर्म है साधारण भाषा में हम लोग इसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं या हाई बीपी कहते हैं हिंदी में हम लोग इसको उच्च रक्तचाप कहते हैं सबसे पहले हम समझते हैं ब्लड प्रेशर होता क्या है दोस्तों जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो आल्ट्रीज होती हैं जिनके माध्यम से ब्लड का सर्कुलेशन होता है जब हमारा ब्लड इन आल्ट्रीज के माध्यम से आगे जाता है तो उस समय इन आर्टरीज में इनकी वॉल में एक प्रेशर क्रिएट होता है एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं तो दो रीडिंग आपको देखने को मिलती है जो ऊपर वाली रीडिंग होती है उसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और जो नीचे वाली रीडिंग होती है उसको हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते, है। कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को और जो ब्लड आगे बढ़ता है और प्रेशर देता है आल्ट्रीज में दैट इज़ कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और ब्लड जब वापस जाने लगता है हार्ट में जब हार्ट रिलैक्स रहता है वो जो प्रेशर होता है उसको हम लोग डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं यानी कॉन्ट्रेक्शन मोड में जब हार्ट हो जाता है हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम हम लोग सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं और रिलैक्सिंग मोड में जब हार्ट होता है उस टाइम हम लोग डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं हाई ब्लड प्रेशर्स ओल्ड एज में बुढ़ापे में कॉमन देखा जाता है ऐसा माना जाता है कि 45 की एज में 45 की उम्र में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलती है और 65 की उम्र में पैंसठ की उम्र में हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या है महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है इसके अलावा यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपके लिए भी एक रिस्क हो जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर डेवलप होने का इसके अलावा ये जो लो लोग डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल हाई है जिनको शुगर की समस्या है उनमें भी एक रिस्क होता है हाई ब्लड प्रेशर होने का या जो डेवलप कंट्री में जो लोग रहते हैं जो कुछ डेवलप कंट्री हैं जहाँ पे सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है वहाँ पे हाई बीपी की समस्या कॉमन देखने को मिलती है हाइपरटेंशन की दो स्टेज होती है स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन और स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो ऊपर वाला बीपी है वो 130 से 139 के बीच में होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो नीचे वाला बीपी है वो 80 से 89 के बीच में होता है स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो ऊपर वाला बी है वो वन यानी एक या एक से अधिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नाइन्टी या नाइन्टी से ऊपर नब्बे या नब्बे से अधिक इसके अलावा यदि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 या 180 से ऊपर है 180 एटी या वन से ऊपर है और डाइस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 या 120 से ऊपर है 120 सौ बीस या एक से ऊपर है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग हाइपर क्राइसिस कहते हैं हाइपर क्राइसिस हम इसको मानते हैं और यहाँ पे आपको अर्जेंट नीड हो जाती है मेडिकल केयर की हाइपरटेंसिव क्राइसिस में आपको सीवियर अटैक हो सकता है आपको चेस्ट पेन हो सकता है आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है आपको नोइजा वॉमिटिंग हो सकता है आपको नोज़ ब्लीड हो सकता है नाक से आपको खून आ सकता है इसके अलावा हाइपरटेंसिव क्राइसिस में बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ब्लड प्रेशर जब लगातार ऊपर की तरफ रहता है एलिवेटेड रहता है इसका मतलब है आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है ब्लड को आगे भेजने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा तो ये आपकी आर्टरीज की वॉल को डैमेज कर सकता है आपको हार्ट डिजीज़ होने का रिस्क रहता है आपको किडनी डिजीज़ होने का रिस्क रहता है यहाँ तक कि आपको ब्रेन स्ट्रोक तक का खतरा रहता है अब बात करते हैं हाई बीपी में क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हाई ब्लड प्रेशर में क्या दिक्कतें और परेशानी होती है कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर एलिवेटेड है बढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी पेशेंट्स को कोई परेशानी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है कोई तकलीफ नहीं होती है जबकि पेशेंट का ब्लड प्रेशर कई सालों से बढ़ता आ रहा है इसीलिए हम ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहते हैं ऐसा माना जाता है कि हर पाँच में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका ब्लड प्रेशर कई सालों से बढ़ रहा होता है लेकिन उसको कोई भी परेशानी महसूस नहीं होती है उसमें कोई भी सिम्टम्स डेवलप नहीं होता है बीपी से संबंधित और वो एक हाई रिस्क जोन में बैठा होता है इसीलिए ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग जरूरी है समय समय पर आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लेना चाहिए लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़े और आपको कोई दिक्कत ना हो परेशानी ना हो या कोई सिम्टम्स ना आए जनरली कुछ साइन और सिम्टम्स ब्लड प्रेशर में देखने को मिलते हैं जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपको हेडेक uh, हो सकता है सीवियर हेडेक हो सकता है आपको सिर में तेज़ दर्द हो सकता है आपको विज़न प्रॉब्लम हो सकता है आपको दिखाई देने में धुंधलापन महसूस हो सकता है चेस्ट पेन आपको हो सकता है यानी सीने में आपको तेज़ दर्द महसूस हो सकता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग सांस लेने में आपको कठिनाई महसूस हो सकती है इरेगुलर हार्ट बीट यानी आपको खुद महसूस हो सकता है कभी आपकी धड़कन धीमी हो रही है कभी आपकी धड़कन तेज़ हो रही है घबराहट आपको हो सकती है पैल्पिटेशन रह सकता है एनजाइटी आपको हो सकती है एक्सट्रीमली हाई बी में थकान भी महसूस होती है कई बार नॉइज एंड वॉमिटिंग जी मचलाना या उल्टी आ जाना भी आपको हाई ब्लड प्रेशर में हो सकता है दोस्तों अब बात करते हैं कॉज ऑफ़ हाइपर की क्यों बीपी बढ़ता है किस वजह से ब्लड प्रेशर की समस्या होती है दोस्तों एग्जैक्ट कॉज ऑफ हाइपर टेंशन अन है साइंस को अभी तक इसका एग्जैक्ट कॉज के बारे में नहीं मालूम लेकिन ये बात सच है कि किडनी की प्रॉब्लम की वजह से कुछ एड्रीनल ग्लैंड की प्रॉब्लम की वजह से कुछ थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपको प्रीडिस्पोज करते हैं हाई बीपी के लिए इसमें फर्स्ट आता है स्मोकिंग यदि आप क्रॉनिक स्मोकर हैं या आप तंबाकू चबाते हैं निकोटीन की मात्रा आपकी बॉडी में जा रही है तो आपको एक रिस्क होता है हाई ब्लड प्रेशर का सेकेंड आता है ओबेसिटी यदि आपको मोटापा है आपका बीएमआई ज़्यादा है तो भी एक रिस्क खड़ा होता है आपको हाई ब्लड प्रेशर का सेडेंट्री लाइफ स्टाइल यदि आप सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीते हैं आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये भी एक हाई बी का रिस्क आपके लिए हो सकता है यदि आप अपनी डाइट में सॉल्ट ज़्यादा लेते हैं नमक का सेवन आप अपनी डाइट में ज़्यादा करते हैं तो ये भी आपको एक रिस्क रहता है हाई ब्लड प्रेशर का अल्कोहल आप यदि लेते हैं अल्कोहल आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं आप रोज़ शराब का सेवन करते हैं तो ये भी एक ब्लड प्रेशर का एक रिस्क आपके लिए हो सकता है कंटिन्यू स्ट्रेस टेंशन तनाव में यदि आप रहते हैं तो इसकी वजह से भी हाई बीपी की समस्या देखने को मिलती है जेनेटिक फैक्टर यहाँ पे अपना रोल प्ले करता है यदि आपकी फ़ैमिली हिस्ट्री में आपकी मदर को अपने आपके फादर को ग्रैंडफादर को किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो एक रिस्क आपके लिए यहाँ से भी हाई बीपी का रहता है इसके अलावा स्लीप अपनिया में ये बीपी की दिक्कत हो सकती है ये कुछ फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है और अब अंत में दो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे जिनका मुझे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अच्छा रिजल्ट देखने को मिला दोस्तों फर्स्ट मेडिसिन होती है एमाइल नाइट्रोशम टू इस दवाई को आप सुबह और शाम दो टाइम लेंगे और इस मेडिसिन को आप होम्योपैथिक की मीठी गोलियों के माध्यम से ही लेंगे इसके साथ साथ ही दूसरी मेडिसिन होती है राल्फिया सरपेंटाइना क्यू इस दवाई को आप आधा कप पानी में पंद्रह बूंदें सुबह लेंगे आधा कप पानी में पंद्रह बूंदें आप दोपहर लेंगे और आधा कप पानी में पंद्रह बूंदें घोल के आप रात को लेंगे सुबह दोपहर रात इस दवाई का आप तीन बार सेवन करेंगे इन मेडिसिन का मुझे स्टेज वन हाइपर में अच्छा रिजल्ट देखने को मिला यहाँ तक कि सिस्टोलिक 150 और डायस्टॉलिक 100 ब्लड प्रेशर भी इसमें नॉर्मल आए हैं इन मेडिसिन के साथ साथ ही आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं सॉल्ट का इंटेक आपको बिल्कुल कम करना है फिज़िकल एक्टिविटी पे आपको अच्छा ध्यान देना है आपको एक्सरसाइज करनी है आपको साइकिलिंग करनी है स्विमिंग करनी है आपको रनिंग कर सकते हैं आप इसके साथ साथ ही दोस्तों आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स आपको ज़्यादा लेने हैं यदि आपका वज़न ज़्यादा है आपको ओबेसिटी है तो आपको अपना वेट रिड्यूस करना है यदि आप एल्कोहल लेते हैं आप स्मोकिंग करते हैं आप तम्बाकू चबाते हैं तो ये आपको बंद करने पड़ेंगे इसके साथ साथ ही दोस्तों आपको बीपी की रेगुलर मॉनिटरिंग भी करनी है और समय समय पे आपको डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है थैंक यू थैंक सल